नमस्कार, मैं हूँ राफी प्लग इन इंडिया से। आई अतुल फ्रॉम प्लग इन इंडिया। और ये है एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और ये है एक पेट्रोल मोटरसाइकिल। आज हम आपको कुछ फर्क बताएंगे ये दोनों मोटरसाइकिल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में क्लच नहीं है, और बिना क्लच के हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि पेट्रोल गाड़ी कैसे चलेगी। बिल्कुल, और ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक है, इसके अंदर गियर्स भी नहीं है, और इसमें आपको दोनों पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक पैर गियर के लिए एक पैर ब्रेक के लिए। इसमें दोनों पैर खाली, सिग्नल पे मजा ही मजा। एग्जैक्टली। और अब एक और डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस ये रहेगा कि इसका वजन बहुत कम है, ये बहुत हल्की है। हल्की इस वजह से ये मोटर के अलावा और कोई मूविंग पार्ट नहीं है, और आप इसको कंपेयर करेंगे पेट्रोल गाड़ी के साथ में तो आप देखेंगे इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, ठीक है, हालांकि इसमें चेन ड्राइव है, उसके अंदर बेल्ट ड्राइव है, तो इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं। उसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा आपके मूविंग पार्ट्स उतने ज़्यादा मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस में भारी पड़ती है। वो गाड़ी भी हल्की है और मेंटेनेंस भी हल्का है उसका। अब्दुल जी, मुझे लगता है इसके अंदर टॉर्क और पिकअप बहुत ही बढ़िया है। इंस्टेंट टॉर्क, इंस्टेंट पिकअप, सिर्फ टॉप स्पीड में थोड़ा मार खा जाती है, 80 पे अटक जाती है, लेकिन हमारे टेस्ट में हम 65-70 के ऊपर जा ही नहीं पाए, बिकॉज ऑलरेडी नहीं तो रास्ता खत्म हो जाता है या कोई व्हीकल बीच में आ जाती है। सिटी ड्राइविंग के लिए ये गाड़ी सबसे बेटर, सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको टॉप स्पीड का लेना देना नहीं है, आप सिग्नल पे खड़े हैं, आपकी रेस अगले सिग्नल तक है, जिसमें कि आपको चाहिए गुड टॉर्क, गुड एक्सेलरेशन, जो कि इस गाड़ी में आ जाता है, और गियर नहीं होने की वजह से वो एक फायदा रहता है। हाईवे राइडिंग के लिए ऑब्वियसली कंपैरिजन नहीं है, दो रीजंस की वजह से, एक टॉप स्पीड कम है और दूसरा रेंज। यहाँ पे आपको रेंज 100 के आसपास में दिल थोड़ा सा धड़कना शुरू कर देता है। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप जाना है, ठीक है, और आपको ये करना है। हालांकि अगर कंपनी ने स्वैपिंग स्टेशंस रास्ते में बना लिए, जैसे पुणे और बॉम्बे के बीच में, तो आप लोनावाला जाइए, बैटरी बदलिए, दूसरी बैटरी डालिए, शुरू हो जाइए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। तो ये अगला डिफरेंस है, अतुल जी आइस बाइक को चालू कर चुके हैं और इसमें आप इंजन का साउंड सुन सकते हैं। इससे एक चीज़ ये है कि आपको फुल फीडबैक मिलता है। अतुल जी, आपको कैसे लग रहा है इसका? देखो, एक मैचो फीलिंग आती है आवाज़ की वजह से, ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी ने उसके बारे में, मैचोपन के बारे में भी एक सोल्यूशन निकाला है। तो अतुल जी, अब ये बाइक मैंने चालू कर दी है, ये बाइक ऑन है, कोई आवाज नहीं, कंप्लीटली साइलेंट, और अगर मुझे आवाज चाहिए, और ये है आवाज का सोर्स, स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैचो स्पीकर फॉर द रिवोल्ट। हालांकि हम लोग इसके बिना ज्यादा खुश हैं। जी, आप लोगों को, अपने दर्शकों को बताते हैं इसका इकोनॉमिक्स कैसा है, कि कितना खर्चा होता है हमें आइस चलाने में, पेट्रोल चलाने में और इलेक्ट्रिकल चलाने में। बढ़िया। तो ये है एक पेट्रोल की गाड़ी, थोड़ी सी हाई पावर्ड अपाची गाड़ी है टीवीएस की, और रफली पेट्रोल आप पकड़ लो 90 रुपये लीटर चल रहा है, और ये गाड़ी 30 का एवरेज दे रही है आपको। हाँ। तो 3 रुपये किलोमीटर तो आपका पेट्रोल में खा जाती है, और इसके अलावा आपके आते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट में आपका जो इंजन ऑयल रहता है उसका ही खर्चा करीब 1000 रुपये, आप समझ लो 5000 किलोमीटर के पीछे चले जाता है, राइट? सही। और मेंटेनेंस ज़्यादा निकालेगी, उसके कंपैरिजन में इस गाड़ी का आपका जो रनिंग कॉस्ट है वो है बिजली, करीब कम से कम 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी इसकी गारंटी है कंपनी की, और उसके लिए आपको 3 यूनिट बिजली की खपत होती है। तो अगर आप समझ लो कि बहुत करके आप कमर्शियल रेट पे महाराष्ट्र जैसे जगह में आप 10 रुपये यूनिट पकड़ रहे हो, तो 30 रुपये आपका खर्चा आएगा 100 किलोमीटर जाने का, यानी कि 3 रुपये वर्सेस 30 पैसे, ठीक है। और बैटरी 8 साल के लिए वारंटीड है, मोटर में खराबी होती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है इस गाड़ी में मेंटेनेंस बहुत बहुत खींच लिया तो भी 1000 रुपये 2000 रुपये साल से ज़्यादा आना चाहिए, इसका 4-5 हज़ार तो आराम से आ सकता है।